नाम उसका सलीम था, लेकिन उसके यार दोस्त उसे शहजादा सलीम कहते थे। गलीबान इसलिए क्योंकि उसे खद और खाल मुगलाई थे। खूबसूरत था, चाल ढाल से रौनक टपकती थी। उसका बाप पीडब्ल्यूडी के दफ्तर में मुलाजिम था। तनख्वाह ज्यादा से ज्यादा 100 रुपया होगी, मगर बड़े ठाट से रहता। जाहिर सी बात है, रिश्वत लेता था। इसलिए सलीम को हमेशा अच्छे से अच्छा कपड़ा पहनने को मिलता और जेब खर्च के लिए भी काफी पैसा मिल जाता था, क्योंकि उसके वालिदिन का वो इकलौता लड़का था। सलीम जब कॉलेज में था तब बहुत सारी लड़कियां उसके ऊपर जान छिड़कती, मगर वो उनसे बेइतनाही बरतता। आखिर एक दिन उसकी आंख शो के शंग लड़की सीमा उस पे लड़ गई। सलीम ने राह और रसम पैदा करने की कोशिश की। उसे यकीन था कि वो उसकी इल्तफात हासिल कर लेगा। नहीं, इतना ही नहीं, वो ये भी समझता था कि सीमा उसके कदमों में गिर पड़ेगी और उसकी ममनून और मुतशक्किर होगी। लेकिन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। एक दिन सलीम जब कॉलेज में गया, उसने सीमा से मुखातिब होकर कहा, आप अपने किताबों का बोझ उठाए खड़ी हो, क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूं? आइए, मेरा तांगा बाहर खड़ा है, मैं आपको और आपके बोझ को आपके घर तक पहुंचा दूंगा। ये सुनकर सीमा तो बहुत परेशानी हो गई। उसने अपनी भारी भरकम किताबें अपने बगल में दबाई और बड़े खुश लहजों में जवाब दिया, मुझे आपकी मदद की कोई भी जरूरत नहीं है, इसलिए बहरहाल मैं आपका शुक्रिया अदा किए देती हूं। सीमा का लहजा और खुश्क हो गया। उसने जवाब में कहा, औरत को मर्द के सहारे की जरूरत होती होगी, मगर इस वक्त मुझे ऐसी कोई महसूस जरूर नहीं होती, और वैसे भी आपकी पेशकश का मैं शुक्रिया अदा कर चुकी हूं, इससे ज्यादा आपको और क्या चाहिए? ये सुनकर ही सलीम तो पूरा पागल हो गया। जिस अनारकली की वो ख्वाब देख रहा था, वो शायद सीमा ही थी। वो आंखें झपकता रह गया। सलीम के कॉलेज में बहुत सारी लड़कियां पीछे पड़ी थी और उसके लाइफ में भी बहुत सारी लड़कियां आ चुकी थी, मगर सीमा अपने आप को समझती क्या है वो ये हमेशा सोचता रहा। हाँ, खूबसूरत है, आज तक ऐसी लड़कियां उसने कभी नहीं देखी थी। हाँ, हसीन भी है, मगर मुझे ठुकरा देना ये बड़ी ज्यादती है, मैं इसका बदला जरूर लूंगा चाहे कुछ भी हो जाए, यही वो सोचता रहा। सलीम ने बहुत तरकीबें सोची, मगर हर बार वो नाकामयाब रहा। उसने यहां तक भी सोचा कि उसकी नाक काट दूं, लेकिन वो ये जुर्म कर बैठा कि उसे उसे याद आया कि उसकी नाक भी उसे बहुत पसंद है, क्योंकि वो जानता था बड़े से बड़ा मुसव्विर भी ऐसी नाक का तसव्वुर नहीं कर सकता था। सलीम तो अपने इरादों में कामयाब ना हो सका, मगर तकदीर ने उसकी साथ दी। उसकी वालिदा ने उसके लिए रिश्ता ढूंढना शुरू किया। निगाह इंतिखाब जो सीमा पर पड़ी, जो उसकी सहेली की लड़की थी, बात पक्की हो गई, मगर सलीम ने साफ साफ इनकार कर दिया। इसके ऊपर उसके वालिदिन बहुत ही नाराज हुए। 10-12 दिन घर पे हंगामा मचा रहा। सलीम के वालिद बहुत ही सख्त तबीयत के थे। उन्होंने सलीम से कहा, तुम्हें हमारा फैसला कबूल करना होगा। सलीम भी काफी हट डम का था। उसने जवाब में कहा, आपका फैसला कोई हाई कोर्ट का फैसला नहीं, और मेरा जुर्म ही क्या है जो मुझे आप फैसला सुना रहे हो? इसके ऊपर उसके वालिदिन को बहुत ही तैश आ गया। उन्होंने कहा, तुम्हारा जुर्म यह है कि तुम ना सिर्फ खल्फ हो, बल्कि अपने वालिदिन का कहना नहीं मानते, उदुल हुक्मी करते हो, इसलिए मैं तुम्हें आग कर दूंगा। सलीम का जोश पूरी तरह से ठंडा हो गया। वो ये समझ नहीं पा रहा था कि अब क्या कहे। उसने फिर अब्बा जान से कहा, अब्बा जान, मेरी शादी तो मेरी मर्जी के मुताबिक होनी चाहिए ना? उसके ऊपर उसके अब्बा जान ने कहा, हाँ बिल्कुल, बोलो तुम्हारी मर्जी क्या है? उसके ऊपर सलीम ने कहा, अगर आप ठंडे दिल से सोचे तो मैं कुछ अर्ज करूं। उसके ऊपर उसके वालिद ने कहा, हाँ, मेरा दिल काफी ठंडा है, जो भी कहना है फौरन कहो, मुझे और इंतजार नहीं करना है। सलीम ने रुकते
रुक रुक के कहा कि मैं एक लड़की से मोहब्बत करता हूं, इसके ऊपर उसका बाप गर जा। किसे? सलीम ने कहा एक लड़की है मेरे कॉलेज में। उसने फिर से कहा कौन है वो, क्या नाम है उसका? सलीम ने कहा सीमा नाम है, मेरे कॉलेज में पढ़ती है। उसके बाप ने थोड़ी देर सोचा और कहा मियां इफ्तिखार उद्दीन की लड़की? सलीम ने कहा हाँ शायद वही है, उसका नाम सीमा इफ्तिखारी है। उसके ऊपर उसके वालिद जोर जोर से हंसने लगे और कहने लगे ख्याल के बच्चे तुम्हारी शादी उसी लड़की से करार पाई है, क्या वो लड़की तुम्हें पसंद करती है? सलीम भौंकला गया, ये सिलसिला कैसे हुआ? उसे ये समझ में नहीं आ रहा था कि कहीं उसका बाप झूठ तो नहीं बोल रहा। लेकिन उनके वालिद को अभी तक सलीम का जवाब का पता नहीं चला। उन्होंने कड़क शब्द में वापस उसे पूछा, सलीम मुझे ये बताओ क्या सीमा तुम्हें पसंद करती है? सलीम ने कहा जी नहीं। उसके बाप ने फिर से पूछा ये तुमने कैसे जाना? सलीम ने कहा मैंने अपने मोहब्बत का इजहार उससे किया था। फिर क्या उसने तुम्हें दरे खोरे इतना नहीं समझा? सलीम ने कहा जी हाँ, उसने बेरुखी बरती। सलीम के वालिद ने अपने गंजे सर पे खुजलाया और कहा फिर तो यह शादी नहीं हो सकती, मैं तुम्हारी मां से कह देता हूं कि लड़की वालों से ये कह दे कि हमारा लड़का रजामंद नहीं है। शहजादा सलीम जज्बाती हो गया। उसने अपने अब्बाजान से कहा अब्बाजान नहीं ऐसा मत कीजिएगा, शादी के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं सीमा से बहुत मोहब्बत करता हूं, आप लोग मेरा मतलब है, आप सीमा को ये ना कह दीजिएगा कि उसकी शादी मुझसे हो रही है जिससे उसने बेरुखी और बेइतनाई का इजहार किया है। सलीम के वालिद ने थोड़ी देर के लिए सोचा और कहा कि मैं इसके मुतालिक सोचूंगा, ये कहकर वो वहां से चले गए क्योंकि उन्हें एक ठेकेदार से रिश्वत वसूल करनी थी अपने बेटे के शादी के सिलसिले में। शहजादा सलीम जब रात को सोने के लिए पलंग पर लेटा तो उसे सारी जगह अनार की कलियां ही कलियां नजर आ रही थी। सारी रात वो उसी के ख्वाब देखता रहा। वो ये देख रहा था कि वो शाही लिबास पहने घोड़े पे सवार बाग में आया हुआ है। वहां वो देखता है कि सीमा एक अनार के बूटे की ऊंची शाख से अनार की कलियां तोड़ने की कोशिश कर रही थी। उसकी भारी भरकम किताबें नीचे बिखरी हुई है, उसकी जुल्फे उलझी पड़ी है। वो उचक उचक कर उसी शाख से कलियां तोड़ने की बहुत कोशिश कर रही है मगर हर बार नाकामयाब होती है। शहजादा सलीम थोड़ा आगे बढ़ता है, अनार की झाड़ी के पीछे चुप कर वो ऊंची शाख को नीचे झुका देता है। सीमा जो अनार की कलियां तोड़ने की कोशिश कर रही थी वो तोड़ लेती है मगर फौरन उसे ये समझ में आ जाता है कि अचानक से ये शाख नीचे कैसे झुक गई। ये वो सोच रही थी कि सलीम अचानक से उसके सामने आ पहुंचा। सीमा घबरा जाती है, वो अपनी भारी भरकम किताबें अपने बगल में दबा लेती है और खुश लहजे में फिर से सलीम से कहती है आपकी इमदाद की मुझे कोई जरूरत नहीं है, बहरहाल मैं शुक्रिया अदा किए देती हूँ, ये कहकर वो वहां से चली जाती है। शहजादा सलीम रात भर इसी किस्म के ख्वाब देखता रहा, सीमा उसकी भारी भरकम किताबें अनारकली और शादी की धूमधाम। शादी हो गई। शहजादा सलीम ने उस तकरीब पर अपनी अनारकली की एक झलक भी नहीं देख पाई थी। वो उस लम्हे का इंतजार कर रहा था और उस लम्हे के लिए तड़प रहा था कि जब सीमा उसकी आगोश में होगी, वो उसे इतना प्यार करेगा कि वो तंग आकर रोना शुरू कर देगी। सलीम को ऐसा लगता था कि जब लड़कियां रोती है तब बड़ी हसीन होती है, उनके आंसू शबनम के कतरों के मानिंद होते हैं जो मर्द के फूलों के जज्बात पे टपकते हैं जिनसे उन्हें ऐसी राहत मिलती है कि वो किसी भी वक्त
नसीब नहीं होती है। रात को 10 बजे उजले उर्स में दुल्हन को दाखिल किया जाता है। शहजादा सलीम को भी अब उस कमरे में आने की इजाजत मिल जाती है। लड़कियों की छेड़छाड़ और सारी रस्में पूरी हो जाती है और सलीम कमरे में दाखिल हो जाता है। फूलों से सजी हुई मसहरी पर दुल्हन घूंघट काढ़े रेशम के गाठे से बनी रहती है। शहजादा सलीम ने खास एहतिमाम किया था कि सारे फूल अनार की कलियां ही हो। धड़कते हुए दिल के साथ वो मसहरी की तरफ बढ़ता है और अपनी दुल्हन के पास बैठ जाता है। काफी वक्त गुजर जाता है लेकिन वो अपनी दुल्हन से बात ही नहीं कर पाता, क्योंकि उसे ऐसा महसूस होता है कि उसके बगल में जो किताबें हैं उसे वो उठाने नहीं देगी। आखिर उसने बड़ी जुर्रत से काम लिया और अपने दुल्हन के पास जाकर बैठा और उसे कहा, सीमा, ये नाम लेते ही उसकी जुबान खुश हो गई और उसने बड़ी जुर्रत से फरहाम किया और अपनी दुल्हन के चेहरे से घूंघट उठाया और भौचक्का रह गया, क्योंकि वो लड़की सीमा ही नहीं थी, वो लड़की कहीं और ही थी। अनार की सारी कलियां मुरझा गई है, ऐसा महसूस कर दिया उसने।